दोस्तों, क्या आप जानते हैं हम जो कागज इस्तेमाल करते हैं वो कागज कैसे बनता है? अगर नहीं तो आज के इस वीडियो में मैं आपका ये पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा। तो मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं YTRF। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कागज के इतिहास के बारे में। सबसे पहले कागज का आविष्कार सन 105 ईस्वी में कैलम नामक एक चीनी व्यक्ति के द्वारा किया गया था। इसके लिए उन्होंने पुराने कपड़ों की रद्दी, मछली पकड़ने के पुराने जाल और पेड़ों के छाल का इस्तेमाल किया था। दोस्तों, इतना ही नहीं, चीनियों ने 6वीं शताब्दी तक कागज बनाने के इस फॉर्मूले को गुप्त रखा ताकि कोई और देश इसे बना ना सके। दोस्तों, इस आविष्कार को जापान में बौद्ध भिक्षु डैमजिंग ने खरीदा और जापानियों ने इस तकनीक को सीखा और मलबरी के छाल से पल्प कर कागज बनाना शुरू कर दिया। एंड दोस्तों, ऐसे अगर देखें तो कागज का एक बहुत ही बड़ा इतिहास रहा है हमारे जीवन में। सो आगे बढ़ते हैं। भारत में कागज उद्योग का पहला कारखाना सन 1832 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में श्री रामपुर में स्थापित किया गया था, लेकिन ये सफल नहीं हो सका। इसके बाद सन 1870 ईस्वी में कोलकाता के नजदीक बालीगंज में एक नए कारखाने का स्थापना की गई। एंड दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कागज को कैसे बनाया जाता है। एंड दोस्तों, आपको कैसा लगा ये कागज का इतिहास सुन के आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, कागज बनाने के लिए मुख्य तौर पर सेल्यूलोज का उपयोग में लाया जाता है। सेल्यूलोज एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो पेड़ पौधों के लकड़ियों में मौजूद होता है। एंड शायद आप लोगों ने क्लास 7 में सेल्यूलोज का नाम सुना होगा, जो कि ग्रास में भी प्रेजेंट होता है। दोस्तों, कागज के निर्माण के लिए सेल्यूलोज के रेशों को आपस में जोड़कर एक पतली परत को तैयार की जाती है। दोस्तों, यहाँ देखें तो कागज की क्वालिटी भी सेल्यूलोज पे डिपेंड होती है। जिस क्वालिटी का सेल्यूलोज होता है उसी क्वालिटी का कागज भी प्राप्त होता है। एंड ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कागज को देखे होंगे आप लोगों ने। कारण यहाँ क्लियर है ड्यू टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्यूलोज। सो दोस्तों, कागज को बनाने के लिए एक लॉन्ग सा प्रोसेस होता है। दोस्तों, सबसे पहले पेड़ों का चयन किया जाता है। इस दौरान उन पेड़ों को चुना जाता है जिसमें लकड़ियों में रेशों की मात्रा अधिक होती है, जैसे टिम्बर, बम्बू। पेड़ों का चयन करने के बाद लकड़ियों को गोल टुकड़ों में काट लिया जाता है और छिलकों को हटा दिया जाता है। और दोस्तों, इसके बाद उन्हें फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। फैक्ट्री में जाने के बाद कटे हुए लकड़ियों के टुकड़े को पानी में कुछ केमिकल डाल के उबाल लिया जाता है। देन लकड़ियों के छिलकों से पल्प को तैयार कर लिया जाता है। एंड पल्प में कुछ केमिकल मिलाने के बाद पल्प सफेद हो जाता है। अब सफेद पल्प रोलर के द्वारा रोल करके एक बड़ा सा पेपर रोल तैयार कर लिया जाता है। और दोस्तों, बड़े से पेपर रोल को काटकर छोटे से पेपर को तैयार किया जाता है, जिससे कॉपी, बुक, न्यूज़पेपर और भी ऐसे बहुत सारे चीजों को बनाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ आप लोगों ने देखा बहुत सारे पेड़ों को काटकर कागज को बनाया जाता है। सो डोंट वेस्ट पेपर गाइस। एंड गाइस, आपको कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।